एक सुंदर वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी जो अपना पक्का मकान तैयार कर ली थी। वहीं उसका फिक्र था कौवे का कि कौवा अपना कैसे मकान तैयार करेगा। अब इस चिड़िया को बरसात की कोई चिंता न थी। अब मैं अपना पक्का घर तैयार कर लिया हूँ, अब बारिश की चिंता नहीं है। वहीं दूसरे तरफ इस काम चोर कौवे की कोई फिक्र न थी। वे बस अपने घोंसले में पूरा दिन आराम करता रहता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया उस कौवे के पास आई और कहने लगी, भैया अब ऐसे भी क्या सुस्त हर वक्त आराम करते रहते हो, कम से कम कुछ तो काम कर लो। बरसात का मौसम करीब है, मैंने तो अपना पक्का घर तैयार कर लिया है, तुम भी अपना पक्का घर तैयार कर लो बरसात से पहले, वरना कहाँ रहोगे। अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना पक्का घर तैयार कर लिया तो तुम मुझे सिखा रही हो? तुम मुझे मेरा काम मत बताओ, जब बारिश होगी तो मैं देख लूँगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा सुकून मत खराब करो। कौवे का यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। मैंने तो कौवे भैया की अच्छाई के लिए ही बोला था, कौवे भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। दिन बीतते गए, चिड़िया के घर चार खूबसूरत सा बच्चे हुए। चिड़िया बहुत ही खुश थी। अब बारिश होने ही वाली है और मेरे चार बच्चे भी हो गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और अचानक से बारिश शुरू हो गई। चिड़िया की मेहनत और रंग लाई। चिड़िया के घर में एक जर्रा भर भी पानी नहीं आया, जबकि दूसरी तरफ कौवे का घोंसला पूरा पानी से ही भर गया था और कौवा भी बारिश में भीग गया और कांपने लगा। घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सर्दी भी लग रही है, अब मैं कहां जाऊं? एक काम करता हूं, टुनटुनी चिड़िया का घर पक्का है, मैं कुछ दिन वहां चला जाता हूं। कौवा चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और चिड़िया का दरवाजा खटखटाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कौवा भैया हूँ, दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पूरा पानी से भीग गया है और मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है, तुम मुझे अपने घर में रख लो। चिड़िया फौरन तुरंत कौवे को अपने घर में बुला लेती है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक आप मेरे घर पर ही रुक सकते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तब हम दोनों मिलकर वापस से अपना का घोंसला बना लेंगे, अभी आप आराम करो। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान था और कौवा सोचता है, ये तो चिड़िया बहन का घर तो बहुत ही अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत ही अच्छी है। और कौवा चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही तीन दिन बाद बारिश रुक जाती है और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ परिंदों की चहचहाहट की आवाज आने लगती है। चिड़िया कौवे के पास अब आती है और उससे कहती है, कौवे भैया बुरा मत मानना, अब बारिश रुक गई है, अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला वापस दोबारा से तैयार कर सकते हैं। कौवा बहुत ही कामचोर था और सुस्त भी था। चिड़िया की यह बात सुनकर कौवा बहुत ही परेशान हो जाता है। इतनी जल्दी बारिश रुक गई, चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा है, कितना सुकून है टुनटुनी चिड़िया के घर में, मगर ये तो टुनटुनी बोल रही है घोंसला बनाने को। कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, बारिश की वजह से मुझे बुखार लग गया है और मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है, मैं आज घोंसला नहीं बना पाऊंगा। मुझे माफ करना कौवे भैया, मुझे पता नहीं था कि आप बीमार हो, जब आप ठीक हो जाओगे तो मैं आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। ये चिड़िया तो कितना बेवकूफ है, मैं इसे कितना पागल बना दिया। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कौवे भैया मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर लगेगी, आप इन चारों बच्चों का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। तब चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों की खेलने की आवाज की वजह से कौवा का नींद खराब हो रहा होता है और कौवा गुस्से में आ जाता है। अरे तुम सभी अपनी आवाजें बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, वरना तुम सभी को मैं चील बहन के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। चिड़िया जब रात को कौवे की घोंसले के लिए तिनका जमा करके आती है, वे देखती है कि उस कौवे ने उस चिड़िया के घर का पूरा दाना खा लिया है और चिड़िया कौवे को कुछ न कहती और भूखे ही सो जाती। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कौवे का घोंसला तैयार कर देती है और कौवे के
पास आती है। कौवे की कहानी। एक कौवा जंगल में रहता था, उसे कोई भी नहीं था। वह अपने जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वह एक सरोवर के किनारे जा पहुंचा। वह उसने एक उजले सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर यह सोचने लगा, यह हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। यह हंस जरूर ही इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। यह सोचते सोचते कौवा हंस के पास गया और अपने मन की बातें उसे कह दी। यह सुनकर हंस बोला, नहीं दोस्त, हकीकत में ऐसा नहीं हूँ। पहले मैं भी यह सोचा करता था कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसीलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन तोते को देखा जिसके पास दो रंगों की अनोखी छत्ता है। उसके बाद मुझे भरोसा हो गया कि वह दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। और कंस की सारी बात सुनकर कौवे तोते के खोज में निकला। रास्ते में जाते समय एक टुनी चिड़िया भेटी, लेकिन उस टुनी चिड़िया से कुछ नहीं बोला। कौवा अपने रास्ता गया, तोते के पास गया और उससे पूछा, तोते तोते, क्या तुम आप इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है? तोते ने बोला, मैं बहुत ही खुश जिंदगी जी रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु अब मुझे लगता है कि मोर ही सबसे सुंदर हो सकता है, इसलिए वह दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। इसके बाद सुनकर कौवा मोर के खोज में निकला। दोस्तों, उड़ते उड़ते कौवा मोर के पास गया। वह एक चिड़ियाघर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर को सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला। कौवा बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास ही भटकने नहीं देते हैं और देखते ही भागा देते हैं।